अगर यही हाल रहा, अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में हम तो अब आ रहे हैं, आगे हम अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, हमारे परिवार के पूरा परिवार आएगा, हमारे माँ बाप आएंगे, और हम जैसे किसानों ने धरना दिया था उसी प्रकार हम भी इसी तरह धरना देंगे, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। सरकार की तरफ से मैं आपको बोलता हूँ मैडम, ऐसा है कि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी से जब जो हमारी मीटिंग हुई है ज्वाइंट फोरम के माध्यम से, जब भी हमारी मीटिंग है उन्होंने कहा कि ये जो है काम आपका गति से हो जाएगा, फिर बोलते हैं कि मैं जो आपका काम ये राइट वे पर है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की हलचल पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रही है, ना चारों कंपनी के चेयरमैन हमें कुछ बता रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि सरकार के पास ये हमारी जो प्रलंबित है वेतन करार की मांग वैसे ही पड़ी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि ये सरकारी कंपनियां ये नफे में मुनाफे में नहीं है, आपकी कंपनियां घाटे में, जबकि सरकारी कंपनी की स्थापना जो हुई राष्ट्रीयकरण जो हुआ केवल समाज कल्याणकारी योजना को इस जनता के देश के नागरिक को मिलने के लिए किया गया, ना कि नफा ना कि मुनाफा कमाने के लिए। मैडम हमारी जो कंपनी नुकसान में क्यों जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के हमारे बीमा कंपनी गवर्नमेंट जो लागू करते हैं एक पॉलिसी लागू करते हैं 12 रुपया में 2 लाख की प्रीमियम इंश्योरेंस है, अब 12 रुपये देकर 2 लाख के क्लेम जाते हैं, तो हम कहाँ से रहे, कहाँ हमारे पूंजी तो जा रहे हैं ना, इसके वजह से आ रहे हैं मोदी जी सरकार के पैसे आ रहे हैं हमारे पूंजी जो जा रहे हैं, ऐसे ही विपिन रावत जी अभी देख रही है उनके 24 घंटे में उनके 10 लोग 11 लोग 24 घंटे में हमें क्लेम पे किया है, ये किसी ने किया हुआ है, तो जितने भी डिफेंस गवर्नमेंट के जो योजनाएँ हैं वो योजनाएँ इतने पैसे में इतना बेनिफिट दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट मोदी सरकार हम दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट तो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर कर रहे हैं, हमारे GSTU से कर रहा है ये पेमेंट, तो कहाँ से कर रहे हैं, तो हमारे जो पूंजी है उसमें से कर रहे हैं ना, तो नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है ना, और वो वजह किसका है, वजह है सरकार अगर तुम्हारे पे इसके रिविजन नहीं करेंगे आप, क्योंकि तुम नुकसान पे हो, नुकसान के कारण भी तुम ही हो, अब तुम प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं दे रहा है 12 रुपये 2 लाख की पॉलिसी, आप प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बोल सकते हो, आप जगह बोलिए ना उनको क्या रखने के लिए, आप कश्मीर में कोई प्राइवेट कंपनी जाते हैं, जाते नहीं है उस साइड में, जो भी सैनिक मरते हैं हमारे सरकार उनको देते हैं 20 लाख 25 लाख, वो कहाँ से देते हैं, UC कंपनी देते हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है बाकायदा, वो इंश्योरेंस सेक्टर पेमेंट करते हैं, PUC कंपनी पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पेमेंट करते हैं, वो नुकसान हम झेल रहे हैं, मोदी जी झेल नहीं रहे, हम झेल रहे हैं, और कहते हैं आप नुकसान पे हो, आपके रिविजन नहीं हो पाएगा, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो पैसा कहाँ से रहेंगे, जब आप ही ये सब योजना लागू कर रहे हो हमारे पैसे से 2 रुपया में 5 रुपये 10 रुपये में आप बांट रहे हो, सरकार पैसा बांट रहे हो, पैसे हम दे रहे लूट रहे, ये कोरोना में इतने क्लेम दिए तो कहाँ से दिए हैं, हमारे जो पूंजी है उसमें से निकल के दिए है ना, आप लागू कर रहे हो 24 घंटे में क्लेम पास करो 30 घंटे में क्लेम पास करो आप बोलते रहते हो, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखो, आपके फायदा आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप गवर्नमेंट में हो, आप जो कहते हो हम उस चीज़ को करते हैं, आप अब हम नुकसान पे हैं तो आप कहते हो हमें आपका तनख्वाह नहीं देंगे, आपको पेमेंट रिवाइज नहीं करेंगे, ये कोई बात होती है, हमारे परिवार है, हमारे अपना भी परिवार है, हमारे बच्चे हैं परिवार है, उन्हें भी आगे घर चलानी है, सरकार जब गवर्नमेंट सेक्टर का हमारे लिए आपको चाहते हैं कि हम मजबूत हों, आपको कुछ लेके आओ ना हमारे लिए भी, हम भी मजबूत हो, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम काम करने में कोई वो नहीं है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब सब कुछ प्राइवेट को अच्छा अच्छा चीज प्राइवेट को देते रहे हो गवर्नमेंट आएगी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमने मोदी जी को हमने ही वोट दिए ताकि मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने जैसे लगते हैं हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मोदी जी की सरकार को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हाँ इनके जो डिमांड है वो जायज़ है, पर आज 5 साल होने वाले हैं, 5 साल के अधिवेशन में 5 साल होने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए, हमारे नुकसान आपके वजह से ही है, आपने जो लागू कर रहे हो उसकी वजह से ही है, हमारी एक ही मांग है कि सरकार ने जो नीतियाँ है जो सरकारी कंपनियों के बारे में और निजी कंपनियों के बारे में वो नीतियों को बदले और ऐसी नीति लाए ताकि सरकारी कंपनियों को भी मजबूत से खड़ा रखे, और इस सरकारी कंपनी ने जमीनी देश के ऊपर संकट आया भाव हो या कोई भी कोरोना जैसी पैंडेमिक हो महामारी हो तो सरकार को सरकारी कंपनी ने मदद की है, हजारों करोड़ रुपए की मदद की है सरकार को, और इस वक्त हमारे ऊपर अन्याय क्यों, हमारे साथ ये दूजा भाव क्यों हो रहा है, जब LIC बैंक को काम दे रहे हमको क्यों कर रहे हैं आप, अरे भारत पेट्रोलियम कंपनी का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके नाम में भारत है, वो भारत को भी आप डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से बेच रहे हो, क्या ये राष्ट्रभक्ति है, क्या ये देशभक्ति है,
हम इस बात को नहीं मानते। हमारी सरकार से नम्रता पूर्वक विनती है कि हमारी मांग राइज है, हम ये हमारे जो वेतन करार है जल्द से जल्द मिलनाइ। आपने देखा यहाँ IPO का देखा जहाँ पर 14% से बढ़ाकर 30% की पेंशन की मांग बढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ सुनीता तिवारी, नजर टुडे।